मंच पर उपस्थित विक्रांत यूनिवर्सिटी के चांसलर महोदय, प्रो चांसलर, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार मिश्रा साहब, बीएम शर्मा जी, डॉक्टर भसीन और जितने भी सम्मानीय लोग मंच पर उपस्थित हैं, सामने बैठे छात्र, शिक्षक, उनके गार्जियंस, विजिटर्स, सबको आपकी आज के इस कल्चरल प्रोग्राम की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों यकीन मानिए, ये जो कल्चरल प्रोग्राम होता है ये आपके जीवन में अमिट छाप छोड़ता है। मुझे अभी भी याद है, क्लास सेवेंथ में मैं स्कूल की तरफ से 100 किलोमीटर दूर एक कल्चरल प्रेजेंटेशन देने गया था, जिसके लिए मैंने एक महीना गाने की प्रैक्टिस की और वो गाने में, चूंकि कोरस में गाना था इसलिए मैं अपनी स्वयं की आवाज़ को अप्रिशिएट नहीं कर पाया, बट यस वो गाना मुझे अभी भी याद है और शायद आप लोगों को भी याद हो, एन इवनिंग इन पेरिस। कितने लोगों को याद है एन इवनिंग इन पेरिस? दैट्स वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स। देखो 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 एन इवनिंग इन पेरिस, और उसके एक अच्छे शब्द थे, अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। दिस इज एक्चुअली एक्टिविटी एन इवेंट विच गोज डाउन द मेमोरी लेन। यू आर गोइंग टू रिमेंबर इट फॉर ऑल टाइम्स टू कम। हमेशा आप याद रखेंगे, हमेशा आगे इसके बारे में सोचेंगे और आप जब जब कल्चरल इवेंट पर जाएंगे अपने आप को वहाँ पर पाएंगे। इवन इफ इट्स एन एक्टिविटी, इवन इफ इट्स नो ए पार्ट ऑफ इट, यू विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर इट। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि किसी भी एक्टिविटी हो, एकेडमिक हो, कल्चरल हो, एनसीसी की हो, एनएसएस की हो, राष्ट्र से समर्पित हो, कोई भी एक्टिविटी हो, हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। जीतना हारना वो समय से परे है, पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। और जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो निश्चित रूप से आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे। हम लोगों को यहाँ पर मॉडल्स दिखाए गए, मॉडल जब देख रहे थे तो वो जो बिटिया थी जो प्रेजेंटेशन के बारे में समझा रही थी, मैं उसका चेहरा देख रहा था ध्यान से, कितनी खुशी थी, कितनी संतुष्टि थी और कितने गर्व से वो अपनी बात बता रही थी। ये एक सपना है, मॉडल बेसिकली एक सपना है, एक बच्चे का सपना है जो ट्रांसलेट हो रहा है इनटू रियलिटी इन द फॉर्म ऑफ अ मॉडल। वो ट्रांसलेशन ही जो है, मैंने वहां भी शब्द इस्तेमाल किया फिर यूज कर रहा हूं, वो इनक्यूबी बनाता है और यही फिर इनक्यूबेशन सेंटर में जा करके और फिर एक स्टार्टअप्स के फॉर्म में आते हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि छात्र अपनी एकेडमिक प्रोफाइल पे फोकस करते हैं। एकेडमिक प्रोफाइल मतलब मार्कशीट्स, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और मे बी सम डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स। जो प्रोफेशनल प्रोफाइल है वो नीचे रह जाती है। तो जब भी कोई प्लेसमेंट की बात होती है या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, वहाँ पे जो प्रोफेशनल प्रोफाइल वीक होने की वजह से वो बच्चे रह जाते हैं। यकीन मानिए, आई हैव सीन इंफोसिस जैसी कंपनी मैकेनिकल इंजीनियर्स को लेके जा रही है और वो ये कहते हैं कि इसके अंदर इंजीनियरिंग का स्पार्क है, बाकी तो हम सब ठीक कर लेंगे। दैट स्पार्क इज अ मस्ट। जब तक ये स्पार्क नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये स्पार्क आपको कहां से मिलेगा? ये स्पार्क आपको ऐसे इवेंट से मिलेगा, प्रोफेशनल प्रोफाइलिंग से मिलेगा। एकेडमिक प्रोफाइल तो अपने आप चली रही है, बट ये प्रोफेशनल प्रोफाइलिंग बहुत ज़रूरी होती है। इसी तरह से स्पोर्ट्समैन, इसी तरह से और जितनी एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी छात्र आगे बढ़ते हैं।
These are historical moments. Capture them. Write in your heart. अपने दिल में रखिए इन्हें और उसको संजो के रखिए. देखिए कितना काम आएगा. जीवाजी विश्वविद्यालय 1964 में स्टैब्लिश हुआ और हम 60 साल के हो गए, पता भी नहीं चला. और इस बीच हमने NAC A डबल प्लस के साथ साथ UGC के कैटेगरी वन यूनिवर्सिटी में आ गए, विच इज द ओनली यूनिवर्सिटी इन मध्य प्रदेश विथ कैटेगरी वन. इसकी वजह से हमारे जो ऑटोनॉमी है वो बढ़ गई. हम बहुत से ऐसे कोर्सेज खुद रिडिजाइन करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट परमिशन फ्रॉम UGC. मैं ये चाहूँगा कि विक्रांत यूनिवर्सिटी भी आने वाले समय में हमारे बराबर खड़ी हो. वह अभी NAC में अच्छे ग्रेड लाए और अच्छी कैटेगरी से आगे बढ़े. आपके चांसलर साहब को मैं बहुत दिनों से जानता हूं, बट इससे पहले मैं एक साइलेंट ऑब्जर्वर था और उस ऑब्जर्वेशन की वजह से मैंने इनको हमेशा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पाया जो सबको साथ लेके चलता है और साथ ही साथ यह भी चाहता है कि उस इंस्टीट्यूट का नाम भी हो. जो इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप को लेके बढ़ता है वो फिर बहुत आगे निकल जाता है. इस अवसर पर मैं विक्रांत यूनिवर्सिटी के जितने भी टीचर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टीज के साथ साथ आपके जो है एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के लोग हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं. और बस एक मैसेज देता हूं जो अक्सर मैं बोलता हूं, सक्सेस इज नेवर स्पॉन्सर्ड, सक्सेस इज अर्न्ड. सफलता कभी प्रायोजित नहीं होती है, सफलता हमेशा आयोजित होती है. सफलता का हमेशा आयोजन होता है. और बहुत से लोग ये बोलते हैं वो बहुत लकी था उसका, उसमें सिलेक्शन हो गया. मैं लक नहीं मानता हूं. देयर इज नथिंग लाइक लक. लक इज फॉर लूजर्स. अगर आप अपना लक्ष्य तय करके रखें और उस लक्ष्य के हिसाब से अपनी तैयारी करें और जैसे ही आपका अवसर आए आप पूरी तरह से तैयार हो और आप उस अवसर को अपने पक्ष में ले आए, दुनिया आपको कहेगी कि आप भाग्यशाली हैं. क्योंकि दुनिया को सफलता दिख रही है, संघर्ष नहीं दिख रहा है. बिना संघर्ष के कभी भी सफलता नहीं मिलती है. ये आपका संघर्ष का समय है. खूब संघर्ष करिए, देखिए सफलता आपके सामने होगी. और ये तो अंग्रेज हमको डरा के चले गए कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर ओनली वंस. नो, नॉट एट ऑल. अपॉर्चुनिटी विल ऑलवेज बी विद यू. इट्स ओनली दैट यू आर सीइंग इट इन अ डिफरेंट वे. अवसर तो आपको हमेशा मिलते हैं, लेकिन हम लोग उसको गलत तरीके से देखते हैं. आप देखिए, प्रत्येक दिन आपको एक अवसर मिलेगा अपने अंदर एक क्वालिटी बिल्ड करने का, अपने आप के अंदर एक नई ऊर्जा देने का, और आप अपने आप के अंदर एक सोच और विचार को बदलते हैं. सो नेवर टेक दिस वर्ड अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर ओनली वंस. नो, नेवर टेक इट. अपॉर्चुनिटी विल ऑलवेज बी विद यू. Opportunity will always be with those people who struggle, who do not wish for success from the very beginning. They want to struggle first and then success comes with them. So at this opportunity, I am wishing you all the best of luck. And I hope, and I mean, sorry, I don't hope, I'm pretty sure that we will have some very good personalities coming out of this Vikrant University. And I have seen very young pro vice chancellors over here with their smiling faces. I'm very sure that these young
pro vice chancellors will shape the university in a very good way. Wish you all the best. Thank you very much.